5 एकड़ से ज्यादा जमीन में तो अभी हमारे कंपनी है, लेकिन अभी अभी अवेलेबल 20 गो से ज्यादा अभी गाड़ी बन के रेडी है। अच्छा, ये कौन सा गाड़ी को आप गाड़ी है? बेलेरो। जी जी, बेलेरो गाड़ी है। अच्छा, ये कौन सा मॉडल होगा? ये 2007 मॉडल है। अच्छा, ये बन के तैयार है? बिल्कुल तैयार है, खाली इसमें आपका साउंड भी लग गया है, LCD भी लग गया है, बाजार हो जाएगा एकदम कंप्लीट। हम लोग देते हैं 3,50,000 में। आप लोग देख लीजिए, 3,50,000 रुपया में यहाँ DJ के साथ यहाँ पे LCD भी आप ही लगा। LCD साउंड 500 एक मशीन और बेलेरो का इंजन पेपर के साथ देंगे कि आपको चलाने में कोई दिक्कत ना। ये सारा चीज आप पूरी तरह से उपलब्ध करा के देते हैं कि कोई आदमी लेके जाए तो उसको अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यही ना है? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसमें भी कुछ कंपनी वगैरह होता है क्या, जैसे साउंड वगैरह लगाते हैं? साउंड में जैसे एसेंजर कंपनी लगाते हैं, ओजा लगाते हैं, बहुत कंपनी आती है, हर कंपनी के इस्तेमाल होता है यहाँ पर। एक चीज और बात बताइए, साल में कितना गाड़ी आप मतलब बेच लेते हैं? हम लोग तो ऐसे साल में कम से कम 100 गो गाड़ी तो बेच लेते हैं आराम से। मतलब एक तरह से देखा जाए रोजगार का भी? जी जी, रोजगार भी हो रहा है। एक गाड़ी 50,000 रुपया बच जाएगा तो हम लोग बेच देते हैं। 100 गो गाड़ी बेच लिए तो कम से कम 5-10 लाख रुपया आराम से कमा लेते हैं साल में। आप लोग भी कमा लेते हैं, जो खरीद के लेके जाएगा वो भी साल में हमको लगता है 10 लाख रुपया कमाई आराम से। 3-3.5 लाख रुपया लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो 5-7 लाख रुपया एक सीजन में कमा सकते हैं। एक सीजन में कोई आम आदमी कमा सकता है? ऐसा क्या कैसे हम लोग बर्नट निकाल देते हैं, अपना लुक का बर्नट लगाते हैं, हेलीकॉप्टर जैसे चलने वाला पंख लगा देते हैं, मोटर सीट करेंगे यहाँ पर आपके हेलीकॉप्टर जैसे लाइटिंग वाइटिंग पूरा पूरा सेट आउट। ये लोग आप लोग बाद में काट के सजाते हैं? जी जी बिल्कुल, हेलीकॉप्टर जैसे दिखेगा, उड़ेगा नहीं लेकिन दिखेगा सेम में बिल्कुल। नमस्कार, मैं राजीव रंजन कौर, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट। अभी मौजूद हूँ बेतिया जिले में और ये दिखाइएगा, ये रास्ता जो दिख रही है बेतिया और अरेराज के बीच में ये पड़ता है, जमुनिया कुशवाहा चौक है, ये बीच रास्ते में ही आप लोगों को पड़ जाएगा। और यहाँ पे समझिए कि फैक्ट्री है, वो भी यहाँ पे जो शादी विवाह में जो आप लोग रथ पे जाते हैं चढ़ के, उस रथ का यहाँ पे बनाया जाता है, समझिए एक तरह से यहाँ पे फैक्ट्री है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है, चंपारण का गौरव, न्यू राजा नंबर 1 हेलीकॉप्टर एंड रथ, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है इनका, ये ऑफिस है। आपको तमाम गाड़ियाँ यहाँ पे कैसे बनते हैं वो आपको घूम के दिखाना चाहेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितनी गाड़ियाँ पुराना गाड़ियाँ है सबको काट के, कुछ को चक्का निकाल लिया गया है तो कुछ का सीट निकाल लिया गया है, उसको निकाल के और यहाँ पे देख सकते हैं रथ को एक अच्छे ढंग से बनाया जाता है और रथ में तब्दील कर दिया जाता है। यहाँ पे कुछ कारीगर है, काम कर रहे हैं, जानकारी लेते हैं और बात करने की भी कोशिश करते हैं। ये आप देखिए यहाँ पे, ये समझिए एक तरह से गाड़ी है 4 चक्का, इसको काट के और इसको रथ में तब्दील कर दिया गया है और ये आगे का जो डिजाइन बनाया जा रहा है इसमें बाजा लगेगा। आइए, कुछ कारीगर काम कर रहे हैं उससे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका भैया? परमानंद भैया। आप यहाँ पे कितने साल से काम कर रहे हैं? लगभग 1 साल हो गया। अच्छा, यहाँ 24 घंटा काम चलता है? हाँ, 24 घंटा काम चलता है। अच्छा, एक रथ जो आप बनाते हैं इसको बनाने में एक रथ को कितना दिन समय लगे? कम से कम 20 से 1 महीना के करीब में जाता है। अच्छा, ये आप अकेले बनाते हैं कि और भी कारीगर लगते हैं? बहुत, इसमें कारपेंटर आता है, घास बोर्ड का काम करने वाला आता है, बहुत आदमी आता है। कोई अगर आम आदमी आए अगर उसको रथ बनवाना है तो कितना दिन में आप लोग बना के दे देते हैं? उनको अर्जेंट होगा तो जितना 10-15 दिन में बना के दे देंगे लोग। अच्छा, 10-15 दिन में बना के दे देते हैं, अगर किसी को इमरजेंसी है तो। इमरजेंसी है तो चलिए, और भी यहाँ तमाम गाड़ियाँ है जो बन के तैयार है, ये तो अभी आपको बन रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं ये गाड़ी अभी बन के तैयार है और ये अभी बन रहा है। आइए यहाँ के इसका लुक दिखाते हैं, यहाँ पे कितने अच्छे ढंग से बनाया गया है और बहुत मेहनत लगा होगा इसको बनाने में। और यहाँ पे जो देख सकते हैं घोड़ा का जो मूर्ति है इसको आगे लगाया जाता है, रथ के आगे लगाया जाता है, और हाथी भी है, हेलीकॉप्टर वाला आपको रंथ भी मिल जाएगा, मतलब 4 चक्का भी मिल जाएगा। अगर उसमें अगर बैठ के आपको शादी विवाह में जाने की इच्छा है तो आप हेलीकॉप्टर में भी बैठ के जा सकते हैं, क्योंकि ये गांव देहात में बहुत लोग इसको ज्यादा देखते हैं, खासकर जब पंखी जब चलता है। यहाँ पे और भी कारीगर है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मुकेश कुमार है। आपका यहाँ पे कितना दिन से काम करते हैं? हम इधर 2-3 साल से काम करते हैं। अच्छा, दिन लगता है? एक दिन नहीं, 10-15 दिन में ये गाड़ी तैयार। 10-15 दिन में लगता है। किस टाइप के गाड़ी को आप लोग बना देते हैं? बोलेरो का इंजन है। अच्छा। बोलेरो का इंजन काट कर उसको फ्रेमी होता है, फ्रेमी कर उसको बाद में बेल्डिंग दिखा गया है। ऑल्टो का भी आप वहाँ पे हेलीकॉप्टर बना दिए? जी, हेलीकॉप्टर का। वो कितना दिन में आपको बन के तैयार हो गया था? वो 1 महीने में।
एक महीने में, और भी तमाम यहाँ पे गाड़ी है जो सज के तैयार है और बिकने के लिए भी तैयार है। इन आपका जो मालिक है प्रोपराइटर वो कहाँ पे है अभी? बस ऑफिस में बैठे होंगे। चलिए उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। फैक्ट्री के मालिक है और प्रोपराइटर है, क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम बसंत कुमार हुआ, मेरा फैक्ट्री का नाम हुआ राजा नंबर 1 हैंडीक्राफ्ट हैंडरथ की कंपनी। हमारी कंपनी अनेकों प्रकार के प्रोजेक्ट बनाती है, जैसे हेलीकॉप्टर बन गया, भगीरथ हो गया, ACP हो गया, कोई भी फोटो अगर दिखाते हैं कि ये चीज हमको चाहिए तो बिल्कुल हम लोग बना के प्रोवाइड कर देंगे। एक बात बताइए, जैसे आप बेतिया में है, ये जो रोड है बेतिया के मेन रूट है, अच्छा आपको कैसे लगा दिमाग में, मतलब आपके कि जैसे बिहार छोड़कर अदर देश में जाते हैं वहाँ पर कोई कुछ बोल देता है, कुछ बोल देता है, वो सब बढ़िया कि हम लोग अपने बिहार में रह के कहा ना रोजगार चालू किए, इसीलिए हम लोग रोजगार अपना चालू किए हैं। यहाँ पर 50-60 आदमी को हम लोग रोजगार भी दिए हैं, और यहाँ से पूरे भारत में हम लोग सप्लाई माल के करते हैं। कितने मतलब यहाँ पे कितने साल से अभी यहाँ पे? यहाँ से 2-3 साल से हम लोग काम कर रहे हैं अभी। अच्छा, अगर कोई अगर आए अपना गाड़ी लेके, नया गाड़ी लेके आए या सेकंड हैंड गाड़ी लेके आए, 1,60,000 में हम लोग बना देंगे गाड़ी अपना लेकर। 1,60,000 में आप बना के ये डिजाइन देंगे कोई अपना गाड़ी लेके? अगर यदि हमारे गाड़ी लेते हैं तो 1.5-1.5 लाख का हम लोग गाड़ी खरीदते हैं, पेपर के साथ देंगे, पटना नंबर 11 2007 मॉडल 2011 मॉडल गाड़ी है, 3 लाख रुपया दाम है। लेकिन आपके वीडियो के माध्यम से जो भी व्यक्ति आएंगे आपके चैनल के सब्सक्राइब करके आएंगे तो उनको माध्यम से 25,000 रुपया डिस्काउंट कर देंगे। आप देख लीजिए, बहुत बड़ी बात है अगर ये बोल रहा है कि मेरे वीडियो के माध्यम से आते हैं तो उनको डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन अगर जानना ये है कि अगर कोई पुरान गाड़ी लेके आया, सेकेंड हैंड गाड़ी लेके आया या नया गाड़ी लेके आया, तो उस गाड़ी को कितने दिन में आप लोग बना के डिजाइन? मात्र 15-20 दिन के अंतर में हम लोग बना के दे देंगे, जो भी पुराना गाड़ी लेके आएंगे लेकिन ओनर बुक के साथ लेकर आएंगे। अपना गाड़ी का नजदीक पड़ता है, कोई भी गाड़ी यहाँ पे जो भी हम लोग काटते हैं उसका ओनर बुक के पेपर के साथ काटते हैं कि कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, किस टाइप का गाड़ी को आप लोग काट उठ के बना देते? देखिए उसे होता क्या है, गाड़ी तो बिल्कुल वैसा ही रह जाता है, थोड़ा सा क्या कैसे हम लोग बर्नट निकाल देते हैं, अपना लुक का बर्नट लगाते हैं। एप्टर हेलीकॉप्टर जैसे चलने वाला पंख लगा देते हैं, मोटर सीट करेंगे, यहाँ पर आपके हेलीकॉप्टर जैसे लाइटिंग वाइटिंग पूरा पूरा मतलब ये लोग आप लोग बाद में काट के सजाते हैं? जी जी बिल्कुल, हेलीकॉप्टर जैसे दिखेगा, उड़ेगा नहीं लेकिन दिखेगा सेम बिल्कुल। तो कौन सा गाड़ी कुछ काम बाकी है? राज नंबर 1 हेलीकॉप्टर एंड रथ के प्रोपराइटर थे, बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलकर। चला दीजिएगा आप अपना थोड़ा नंबर बता दीजिएगा, 800-2592-639 ये पे कॉल कीजिए, खुद हम उठाएंगे कॉल आपका। हमारे हेल्पलाइन हो गया, जैसे हमारे निजी रेलवे स्टेशन बेतिया, जो बेतिया रेलवे स्टेशन उतरिए वहाँ से 8 किलोमीटर जमुनिया कुशवाहा, वहाँ से पूछने से भी कोई बता सकता है, बता देगा। जमुनिया कुशवाहा चौक पर जाना है तो कोई बता देगा। अगर आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से आते हैं यहाँ पे तो ये भाई साहब आपको डिस्काउंट भी कर देंगे। जी जी बिल्कुल, 25,000 रुपया डिस्काउंट होगा।